मम्मा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोल। मम्मा, मुझे एक लड़का मिला था फेसबुक पे। 3 साल पहले हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर मैं उससे मिली भी हुई हूँ कई बार। वो वीकेंड ही आया था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि मुझे वो बहुत पसंद है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हम दोनों 3 साल से एक साथ हैं। और तू मुझे 3 साल बाद बता रही है ये बात? चल कोई बात नहीं, तू एक काम कर, उसे वीकेंड ही बुला ले, मैं उससे मिल भी लूंगी और वो घूम भी लेगा। ओके मम्मा, मैं अभी उसे कॉल करके बता देती हूँ। हाँ काव्या बोल। बाबू, गुड न्यूज़ है। क्या बाबू, मम्मा से आज बात कर ली मैंने हमारे बारे में। सच्ची? हाँ सच में। अब ध्यान से सुनो, मम्मा ने आपको बुलाया है 2-4 दिन के लिए वीकेंड ही। वो आपसे मिलना चाहती हैं, तो आप आ जाओ। ओके, मैं 1 मिनट में पापा से बात करके तुझे मैसेज कर रहा हूँ कि मैं कब निकलूंगा। ओके बाबू, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ बस 1 मिनट में बता रहा हूँ तुझे। पापा वो मेरे ना फ्रेंड का फोन आया था, वो लोग वीकेंड ही घूमने जा रहे हैं, तो वो मुझे भी बोल रहे हैं कि मैं भी साथ में चलूँ, तो क्या मैं जा सक? कितने दिन के लिए जाना है? बस 4-5 दिन के लिए जाएंगे। ओके, ध्यान रखना, वहाँ ठंड बहुत है, और जल्दी वापस आ जाना। हाँ, उसकी तो कोई चिंता मत करो, तो मैं जैकेट वगैरह लेके जाऊँगा और जल्दी आ जाऊँगा वापस। अच्छा ठीक है। चलो अपने दोस्त को बोल देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। अरे यार, ये क्या भेज दिया उसने इंग्लिश में? हाँ बोल। बाबू, एक प्रॉब्लम हो गई। आपने जो मैसेज किया इंग्लिश में, वो मुझे समझ नहीं आया। अरे बस इतनी सी बात है, इसके लिए तू अभी डाउनलोड कर यू डिक्शनरी ऐप। इस ऐप से इंग्लिश वर्ड को हिंदी में या फिर कई लैंग्वेजेस में तुम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो। और इस ऐप में एक बहुत ही अच्छा फीचर है, वो है मैजिक ट्रांसलेटर, जिसे यूज़ करने के लिए तुम्हें सेटिंग्स में जाकर कुछ परमिशन देकर उसे ऑन करना होगा। उसके बाद अगर तुम्हें कोई मैसेज करता है इंग्लिश में, तो तुम मैजिक ट्रांसलेटर की मदद से उसे वहीं के वहीं हिंदी में ट्रांसलेट भी कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर तुम किसी को हिंदी में मैसेज टाइप करते हो, तो ये मैजिक ट्रांसलेट उस पर भी वर्क करेगा। साथ ही साथ ये ऐप यू डिक्शनरी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो तुम जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। तो अभी के अभी डाउनलोड कर यू डिक्शनरी ऐप। वाह यार, ये ऐप तो बहुत कमाल की है। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ। ओके, अब सुन, मैं कल की फ्लाइट से वीकेंड ही आ रहा हूँ, ठीक है? शाम तक पहुँच जाऊँगा। ओके, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। आ जाना, बाय। हाँ बाय। मम्मा, वो कल शाम आ रहा है। ठीक है, घर की साफ सफाई कर ले, इतना गंदा घर दिखाएगी क्या उसे? We will be taking off soon. Be prepared. भैया, हॉट स्प्रिंग चलोगे क्या? हाँ साहब, बिल्कुल चलूंगा, बैठो। हाँ जी बोलिए। ये काव्या का घर यही है क्या? आप कौन? वो मैं अमित। ओ, आ जाओ अंदर। ओ, आ गए तुम। तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, दिक्कत क्या, वो टैक्सी वाला सीधा ही ले आया। आ जाओ, आपको मैं रूम दिखा देती हूँ। ये आपका रूम है और सामने ही काव्या का रूम है। अब फ्रेश हो जाओ, मैं आप लोगों के लिए डिनर लगा देती हूँ। काव्या, अमित, आ जाओ, डिनर लग गया है। अरे इतना सब की क्या जरूरत थी? इतना सब क्या, खाना तो खाना ही है ना सबने। चलो अमित, तुम भी थक गए होगे, आराम कर लो, सुबह बात करते हैं। आपको कुछ भी चीज चाहिए तो काव्या पास वाले रूम में ही है, या फिर आप मुझे आवाज मार लेना, मैं नीचे वाले रूम में सो रही हूँ। अरे इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, मुझे प्यास लगी थी, तो मैंने आप लोगों को उठाना सही नहीं समझा, आप लोग सो रहे थे, तो मैं खुद ही पानी पीने के लिए आ गया नीचे। चलो कोई बात नहीं, और कुछ तो नहीं चाहिए ना आपको? नहीं, बस और तो कुछ नहीं। चलो ठीक है, फिर आप जाके सो जाओ। आप मैं 1 मिनट के लिए आपसे बात कर सकता हूँ क्या?
यहाँ इस टाइम? हाँ बस एक मिनट के लिए सर। पर काव्या उठ गई तो उससे अजीब लगेगा इस टाइम पे तुम्हें यहाँ देख के। नहीं नहीं आप चिंता मत करो। ओके पहले तो आप अपना नाम बताइए। दीप्ति। ओके दीप्ति जी आप चिंता मत करो, मैं उसे देख के आऊँ, वो सो रही है। अच्छा पूछिए क्या पूछना है। दीप्ति जी एक बात बताइए, क्या मैं आपको पसंद नहीं आया? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम अभी मिले हैं, आज शाम ही तो आप आए हैं, अभी तो हमारी बात भी नहीं हुई ढंग से। नहीं वो एक्चुअली आप डिनर के टाइम में थोड़ा अजीब तरीके से देख रही थी ना, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, काव्या जाग गई तो उसे बुरा लगेगा आपको यहाँ देख कर, पता नहीं वो क्या समझ बैठेगी। ओके ओके जा रहा हूँ मैं। ओके जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे उठ काव्या, 10 बज गए, घूमने नहीं जाना आज तुम दोनों को? क्या 10 बज गए, जल्दी उठाओ उसे भी। उठो अमित। अच्छा तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ तैयार होके, मैं नाश्ता लगाती हूँ। चलो मम्मा हम जा रहे हैं घूमने डाइनो पार्क, आते हैं शाम तक। ठीक है ध्यान रखना। देख वहाँ कोई फालतू की जिद तो करियो मत मुझसे, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना मैं वहीं छोड़ के आ जाऊँ तुझे। अरे बाबा कुछ जिद नहीं कर रही, पर उधर एक भूल भुलैया जैसी जगह है, वहाँ एक किस तो मिलेगी ना। ये किस विस करनी है ना तो घर ही चल ले वापस, वहाँ जितनी मर्जी कर लियो, बाहर ये सब तमाशा करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई डायनो पार्क चलेगा क्या? हाँ चलो ना साहब। आ गए तुम लोग, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा था, मजा आ गया, कैंडी काफी अच्छी जगह है घूमने के लिए। ओके तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाती हूँ। काव्या अमित आ जाओ, डिनर लग गया है। चलो तुम लोग काफी थक गए होंगे, आराम कर लो, सुबह बात करती हूँ। अरे तुम इतनी रात गए यहाँ आज फिर से? अरे दीप्ति जी मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे प्यास भी लग रही थी तो मैं ऐसे ही आ गया नीचे। प्लीज आप ऊपर जाओ, अगर काव्या ने आपको यहाँ इस हालत में देख लिया तो पता नहीं वो क्या क्या समझेगी। अरे वो तो सो रही है। प्लीज प्लीज जाओ आप अभी यहाँ से। ओके ओके जा रहा हूँ। मम्मा क्या बना रहे हो आज? मुझे क्या पता उसे क्या पसंद है, तू बता क्या बनाऊँ? उसे तो चिकन बहुत पसंद है, वो बना लो आप। जा फिर जल्दी से शहर से चिकन ले आ, क्योंकि मुझे नहाना भी है। अच्छा मैं लेकर आती हूँ, आप अमित को चाय देकर उठा देना फिर नहा लेना। अमित अमित उठ जाओ, चाय पी लो, काव्या गई है मार्केट सामान लेने, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम्हारी चाय किचन में पड़ी है। मम्मा जल्दी बना लेना आप, मैं ऊपर जा रही हूँ। अमित काव्या आ जाओ, डिनर रेडी है। गुड नाइट मम्मा। हाँ गुड नाइट। अरे तुम यहाँ फिर से? चिल्लाओ मत। पर तुम रात को यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है बोलो। बस ऐसे ही 2 मिनट तुमसे बात करने का मन कर रहा है। तुम चाहते क्या हो? मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, तुम जब से आए हो उस दिन से तुम मुझे जिस तरह से देख रहे हो मुझे सब समझ आता है, तुम आधी रात को रोज बहाना बना के नीचे आते हो, तुम चाहते क्या हो? मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज पूछनी है। बोलो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पति को मेरे 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं,
काव्या ने बताया मुझे, और तुम अपने आप को देखो, तुम आज भी कितनी जवान लगती हो। तुमने मुझे पकड़ लिया ना मैं कि यहाँ रात को आने का बहाना ढूंढता हूँ, तो मुझे भी पता है कि तुम भी मेरे आने का इंतजार करती हो। ये सब बात मत करो, काव्या जाग गई तो वो सुन लेगी। मेरी मजबूरी समझो, काव्या के अलावा मेरी इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं ये सब नहीं कर सकती, प्लीज जाओ यहाँ से, और ये सब बात मत करो, प्लीज जाओ। ओके ओके जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग मामा। क्या बना रहे हो आज? दाल मखनी। वाओ, ये तो अमित की फेवरेट है। सुन काव्या, मेरे बैलेंस खत्म हो गए हैं, जरा मार्केट से डलवा आएगी? ओके डलवा आती हूँ। अमित तुम चलो के साथ? नहीं नहीं मुझे नहाने जाना है, तुम हो आओ। दीप्ति मुझे एक मिनट तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। एक मिनट के लिए ऊपर मेरे रूम में आओ। यही बोलो ना। अरे नहीं तुम एक बार आओ तो। ओके आ रही हूँ। देखो दीप्ति, तुमने मुझे रात को जो भी कहा कि तुम मजबूर हो कि काव्या को इस बारे में कुछ पता ना चल जाए, तो तुम मुझ पर विश्वास करो, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ। तुम रोज उसको जानबूझकर बाहर भेजती हो। प्लीज मैं जा रही हूँ नीचे, ये सब बात मत करो, मेरी मजबूरी को समझो। अगर काव्या को जरा से भी पता चल गया तो मर ही जाएगी। मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। अरे एक मिनट सुनो तो। अमित कहाँ है मामा? ऊपर ही होगा। काव्या, अमित आ जाओ, डिनर रेडी है। चलो अमित अब सो जाओ जल्दी, कल शाम तुम्हारी फ्लाइट भी है। हाँ हाँ चलो। दिप्ती, दिप्ती। अरे तुम फिर आ गए? देखो अभी भी टाइम है, प्लीज मान जाओ। प्लीज मुझे फोर्स मत करो, और प्लीज यहाँ से जाओ। आज आखिरी रात है हमारे पास, कल मैं चला जाऊंगा और फिर तुम अकेली हो जाओगी। अभी भी सोच लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर पता चल गया तो? ट्रस्ट करो मुझ पे, तुम ऊपर आओ मेरे साथ। पक्का उसे पता तो नहीं चलेगा ना? अरे तुम आओ तो। ये सो रही है, इसकी चिंता मत करो। अरे इतनी दिनों बाद मानी हो, जल्दी आओ ना मेरी जान। वाह, यही देखना बचा था। अरे काव्या अच्छा हुआ यार तू आ गई, देखना तेरी माँ कैसे मुझे फंसा रही है। अच्छा मेरी मम्मा फंसा रही है? हाँ शुक्र है यार तूने मुझे बचा लिया आके। पागल समझा है मुझे? तुझे क्या लगा मेरी मम्मा मुझे धोखा देगी? मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, जो तू ये सब पहले दिन से कर रहा है ना मैं सब जानती हूँ। इसे कैसे पता ये सब? तू क्या समझता है वो सब सच था? मैंने तो तुझे पहले दिन ही देख लिया था कि तू कितना नीच है, लेकिन मेरी बेटी इतनी भोली है ना, जो तुझे 3 साल में भी नहीं समझ पाई। अगर मैं इससे जाके सीधे वो सब बात बता देती जो तू हरकत कर रहा था, ये तेरे प्यार में इतनी अंधी थी कि इसे मैं ही गलत लगती। अच्छा सुन काव्या, मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोलो मम्मा। देख मुझे गलत मत समझना, पर लड़का कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ मम्मा? वो जिस तरह से मुझे देखता है ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मम्मा ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ मैं सच बोल रही हूँ, तू नहीं जानती, वो जब से आया है ना वो रोज़ रात को बहाना बना के मेरे रूम में आता है और मुझे फोर्स करता है कि मैं गलत काम करूँ। मैं नहीं मानती ये सब, आप झूठ बोल रहे हो। अगर आपको लड़का पसंद नहीं है तो सीधा सीधा बोल दे, उसे बदनाम क्यों कर रहे हो? तुझे विश्वास नहीं है मुझ पे? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये सब सच है? तुझे प्रूफ चाहिए ना? कोई बात नहीं, अगर तुझे बचाने के लिए तेरी माँ को बदनाम भी होना पड़े ना तो तेरी माँ तैयार है। आज रात को सोना मत, मैं जब तेरे रूम में आऊँ तो उसके ठीक 5 मिनट बाद तू अमित के कमरे में आ जाना, और आकर खुद देख लेना उसके करतूते। इससे पहले मैं पुलिस को बुला के तेरी हड्डियां तोड़वा दूँ, निकल जा यहाँ से। अरे काव्या एक मिनट मेरी बात तो सुनो यार। सुनाई नहीं दिया तुझे उसने क्या कहा? निकल। अरे मुझे मेरे कपड़े तो लेने दो। ओए साले, जो कच्चा पहना है वो भी फटवा के जाएगा क्या? मामा मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने आपको इस मुसीबत में डाल दिया, मैं कितनी बुरी बेटी हूँ। तू बुरी नहीं है, तूने कुछ गलत नहीं किया, बस तेरी गलती इतनी है कि तूने एक गलत बंदे पे भरोसा किया और प्यार भी किया।
चल अब जाने दे, सब सही हो गया। हे गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और जिसने भी अभी तक यू डिक्शनरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लो। उसका डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।